अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशन सिंस 1947 से अब तक पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स कैसे रहे, हिस्ट्री और डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज की जो बायलेटरल रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरीके से, उनकी हिस्ट्री क्या है और इनके अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से अमल में आई, ये तमाम चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप देखें सिंस 1947, लिटिल बिट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो ये एक ट्यूमल्टियस रिलेशनशिप है वो बिगन हुआ, स्टार्ट हुआ तकरीबन 1947 से, जब से पाकिस्तान की क्रिएशन हुई और पार्टीशन हुई पाकिस्तान और इंडिया की फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ कि जो डिवीजन था, डिवीजन तो दोनों कंट्रीज की हो गई लेकिन इनके दरमियान जो एक स्पार्क, एक जो इशू रहा, जो मेन डिस्प्यूट था, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट रहा, वो कश्मीर का रहा। ठीक है जी, अब ये क्या हुआ कि ये इशू ऐसा था कि ये डिफरेंट ये आगे लीड करता गया और इससे बहुत सारे और भी कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों कंट्रीज के दरमियान आए और इन दोनों कंट्रीज के जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं उसकी वजह से क्या हुआ कि डिफरेंट जो इंडो पाक वॉर्स थी 1947 की, 1965 की ये वॉर्स हुई, इसके साथ साथ ये टेंशन बढ़ती गई और 1971 में क्या हुआ कि जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी वो हुई और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है जी, तो ये तमाम सिनेरियोज जो टेंशन क्रिएट हुई, ये वॉर वगैरह इशू, ये तमाम चीजें, इनमें पाकिस्तान का इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप रहा, दोनों के दरमियान किस किस्म के कॉन्फ्लिक्शंस आए, वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ रहा है दोनों कंट्रीज का आपस में एक अगर हम यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पार्टीशन हुई सबसे पहले अर्ली ईयर्स 1947 से 1965 का टाइम, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन हुई, पाकिस्तान वजूद में आया, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पार्टीशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया अकॉम्पनीड बाय सिग्निफिकेंट कम्युनल वायलेंस एंड मैस माइग्रेशन। ठीक है जी, काफी एक्सट्रीम वायलेंस हुआ और काफी एक मैसिव माइग्रेशन हुई और उसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हो गया। इनिशियल डिस्प्यूट जो है वो अर्ली क्या थे, जो प्रिंसली स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, जो आजाद रियासत थी। ठीक है जी, ये कंफ्यूजन आगे बढ़ा और लीड किया इसने फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947 से 48 की तरफ। अब फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947-1948 में क्या हुआ कि यूनियन मेडिएशन थी, जो कॉन्फ्लिक्शन था वो मेडिएट किया यूनाइटेड नेशंस ने और इसके नतीजे में क्या हुआ कि इस कॉन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट हुई एलओसी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, और सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो जो है उस पर साइन किए गए। सेकेंड कश्मीर वॉर हुई 1965 पर, 1965 में क्या हुआ कि इंडो पाकिस्तानी वॉर हुई 1965 की, इसमें जो कॉन्फ्लिक्शन था वो इरप्ट हुआ दोबारा से कश्मीर के ऊपर और एक सेटलमेंट हुई किसकी, ताशकंद एग्रीमेंट की, ताशकंद माहिदे के नाम से जाना जाता है, विच एम टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलाइज रिलेशंस, और इसके नतीजे में जो पीस और रिलेशनशिप्स का नॉर्मलाइज करने के लिए ताशकंद एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया गया। पीरियड ऑफ टेंशन एंड वॉर 1971 से 1998 की तरफ एक पीरियड ऑफ टेंशन रहा, काफी स्ट्रेंड सिचुएशन रही। इसमें क्या हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, यानी जो बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ पाकिस्तान से, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, द वॉर रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान एंड ए मेजर सेट बैक इन इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हो गया पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से, और इसका नाम जो है वो था क्रिएट किया गया बांग्लादेश की रियासत की जो है वो वजूद में आई, और ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर सेटबैक था इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में। इंपैक्ट ऑन रिलेशन, द कॉन्फ्लिक्ट लेफ्ट डीप स्कार्स एंड हाइटेंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, दोनों कंट्रीज के दरमियान में काफी ज्यादा एक गहरा जख्म कह सकते हैं कि बहुत ही एक गहरा धचका लगा, और ये इसने जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था उस चीज को काफी ज्यादा, यानी एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा था, जो एक सिचुएशन थी ट्रस्ट की, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। न्यूट्रलाइजेशन एंड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1998 से 99 तक रहा। न्यूक्लियर टेस्ट, जो दोनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 के ऊपर, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेसेस, और एक बिगनिंग स्टार्ट हुई आर्म रेसेस की दोनों कंट्रीज के दरमियान में, एक दो ऐसे कंट्रीज जो एक आपस में बहुत ही एक्सट्रीम राइवल के तौर पर सामने आ रहे हैं, और वो दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए, इन्होंने एक मार्किंग की बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियर आर्म रेस की। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1999 के अंदर, द कॉन्फ्लिक्ट इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अनदर मेजर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एंडिंग विद द रिटर्न ऑफ द स्टेटस को अलोंग द एलओसी। ठीक है जी,
एक स्टेटस को इनके ऊपर दोबारा से हुआ, एलओसी की तरफ गए ये लोग, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड डायलॉग्स की तरफ जाएं, तो पीस इनिशिएटिव एग्रीमेंट्स हुए डिफरेंट, शिमला एग्रीमेंट था 1972 के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन क्या है कि इस एग्रीमेंट का जो एम था वो ये था कि दोनों के तरफ से जो बायलैटरल इश्यूज हैं उन्हें पीसफुल तरीके से रिफॉर्म करके एलओसी के ऊपर जो है वो इनको एक एलओसी को सिर्फ एक वर्किंग बाउंड्री रखा जाए और इन जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं इनको बहुत ही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक म्यूचुअल एलिस के तौर पर जो इन बायलैटरल इश्यूज को जो है वो नॉर्मलाइज किया जाए। आगरा समिट हुआ 2001 में, एक हाई लेवल टॉक थी, ठीक है जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, इन दोनों के दरमियान जो है ये मुहिदा इन्होंने उस वक्त एक्चुअली बोथ फॉर हेड ऑफ द स्टेट्स, तो इन्होंने रिजोल्व किया आउटस्टैंडिंग इश्यूज बट एंडिंग विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, लेकिन इसमें कोई खास जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इस इश्यू के ऊपर से आगे नहीं हो पाए। मुमताजाबाद पीस प्रोसेस 2004 से 2008 पीस इनिशिएटिव था, ये पीरियड जो है वो एक रिन्यू डायलॉग के तौर पर देखा गया, इसमें जो है वो डिस्कशंस हुई ट्रेड के ऊपर, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई डिफरेंट मेजर्स के ऊपर, और अब दूसरे काफी तरह की जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया। रिसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बात करें तो उफा समिट है 2015 में, अब इस उफा समिट में ये एक्चुअली में पीस टॉक्स के लिए अरेंज किया गया, इसमें जो है वो रिजम्पशन हुई डायलॉग की। इसको अगर आप देखें तो उफा समिट जो है वो रशिया में जो है वो हेल्ड हुआ था ऑलमोस्ट ऑन जुलाई इन जुलाई 2015, ठीक है जी, रशिया में। अब इसमें जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, इसके तहत जो है रशिया ने इसमें पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक ये समिट जो है वो स्टार्ट हुआ, एससीओ ने इस समिट को ऑर्गेनाइज करवाया, और इनके जो की आउटकम्स थे वो क्या थे कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो है वो एक रिज्यूम डायलॉग हो आपस में विद टेबल टॉक विद डायलॉग विद हेल्प ऑफ डायलॉग जो है ये टेररिज्म को और कश्मीरी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को जो है वो खत्म करें, जो सियाचिन ग्लेशियर का इशू था, ट्रेड का इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशूज हैं, डिफरेंट तरह के जो इशूज थे उन्हें यही था कि इसको उफा समिट के अंदर जो है वो इस चीज को साइन किया जा सके। अब ये उफा समिट एक्चुअली में जो है वो एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू के तौर पर माना जाता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स में, क्योंकि इसने जो है वो डायलॉग्स को तकरीबन दो साल बाद दोबारा से जो है वो कंटिन्यू करवाया था। बायलेटरल टॉक्स हुई इसके अंदर जो समिट था, रिटर्न एग्रीमेंट टू एड्रेस आउटस्टैंडिंग इश्यूज एंड इम्प्रूव बायलेटरल रिलेशनशिप्स को इसने इंक्रूज किया, और जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे रिन्यू टेंशंस के उन्हें काफी ज्यादा लीड किया। पुलवामा अटैक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा अटैक्स, अब ये दो अटैक्स ऐसे थे कि इन दोनों ने जो कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप था और इंडिया की रिटेलिएटरी थी एयर स्ट्राइक थी बालाकोट के ऊपर, ये सीवियर डिटेरियोरेशन थी रिलेशनशिप्स की, कि इसमें जो इंडिया ने जो है वो अटैक किया था बालाकोट के ऊपर और कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप्स इंडियन की एयर स्ट्राइक की बहुत ज्यादा इन्होंने तमाम जितने एग्रीमेंट थे उनको टोटली जो है इन्होंने अपनी इस एयर स्ट्राइक के थ्रू जो है वो वायलेट कर दिया था। की इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात करें तो की इश्यूज कश्मीर डिस्प्यूट के कोर इश्यूज में कश्मीर इशू है सेंट्रल और मोस्ट कॉन्टेंशियस एलिमेंट इन पाकिस्तान रिलेशनशिप्स का, दोनों कंट्रीज जो है वो एंटायर रीजन को क्लेम कर रहे हैं। ऑन गोइंग टेंशन में जो फ्रीक्वेंट स्क्रमशेस हुए एलओसी के ऊपर, डिफरेंट डिस्टेंसेस हुए रीजन, फ्यूचर कंटिन्यू टू फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंट तरह के कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने अराइज किया। टेररिज्म और स्क्रूटनी सिक्योरिटी कंसर्न को अगर देखा जाए तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अराइज हुआ और वो पहले से एक्चुअली मौजूद भी है, तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके एलिगेशन लगी और पाकिस्तान के ऊपर ये एक एक्यूज किया गया कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो मेजर सोर्स है टेंशन का। मेजर इंसिडेंट्स कौन से हाई प्रोफाइल अटैक्स थे, जैसे कि इसमें 2001 का अटैक था, इंडियन पार्लियामेंट अटैक था, 2008 के मुंबई अटैक्स थे, तो ये तमाम चीजें जो है वो डिस्ट्रस्ट और हॉस्टिलिटी को इन्होंने जो है वो अफेक्ट किया। अब वाटर डिस्प्यूट्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो सबसे पहला मेजर डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जिसे सिंतास मुहिदा कहा जाता है, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में और ये सितंबर 1960 में साइन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो इंडस वाटर है रिवर बेसन है इंडस रिवर बेसन उनके ऊपर ये मुहिदा किया गया था और इसके काफी ज्यादा की प्रोविजन थे कि इसमें वाटर एलोकेट किया गया कि कितना कितने परसेंट पानी जो है वो इंडिया के हिस्से में आ रहा है और कितना पाकिस्तान के लिए आ रहा है। तो इसमें इस ट्रीटी ने एक्चुअली में 80% रिवर इंडस को जो पाकिस्तान को एलोकेट किया था और 20% जो वो इंडिया को ऑलमोस्ट एलोकेट किया था। इसके साथ साथ जो रिवर डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी
ठीक है जी, जो इंडिया का कंट्रोल जो है वो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर कितना रहेगा, रावी बीज और सतलुज के ऊपर कितना कंट्रोल रहेगा, पाकिस्तान का कितना कंट्रोल रहेगा, और पाकिस्तान और इंडिया का कंट्रोल जो है वो ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर था, जबकि पाकिस्तान का कंट्रोल इस अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर था, जिसमें इंडस, झेलम और चनाब आ रहे थे। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स थे, इंडिया जो है वो अपने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने एलोकेटेड रिवर्स के ऊपर बनाएगा, जबकि पाकिस्तान जो है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन भी देगा कि वो अपने इन रिवर्स के ऊपर किस मकाम के ऊपर किस चीज को एस्टैब्लिश कर रहा है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है उसको ये इंस्ट्रक्शन भी अलाउड होगी कि वो इंडिया की तरफ देख सके कि इंडिया को अगर ईस्टर्न रिवर्स एलोकेट किए गए हैं तो उन्हीं के ऊपर ही अपना काम करेगा। ठीक है जी, अब डिस्प्यूट की जो रेजोल्यूशन है वो एक परमानेंट इंडस कमीशन था, इस जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया। ये एक सिंटास मुहिदा था जिसके मेजर कुछ की प्रोविजंस हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो डिस्प्यूट था वाटर यूजेज और डैम कंप्लीट, इसको अभी जिससे जो मैंने एक्सप्लेन किया इंडस वाटर ट्रीटी में, ये इसके की प्रोविजंस थे। और इसके साथ साथ जो लेकिन इंडिया ने क्या किया कि ये जो डिस्प्यूट है इसको कुछ खास फॉलो नहीं किया। ठीक है जी, और इसमें काफी ज्यादा जो है इंडिया ने इसकी वायलेशंस की। ठीक है जी, और जो इसके इंडिया की तरफ से जो किशन गंगा और डिफरेंट राइटर प्रोजेक्ट वगैरह जो इंडिया ने हुए, तो उसने क्या किया, पाकिस्तानी कंसर्न्स को ऑब्वियसली अराइज किया, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन हो रही थी। इसके साथ अगर वाटर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो इम्पैक्ट हार्वेस्टिंग वाटर प्रोजेक्ट्स का इंडिया पाकिस्तान वाटर सिक्योरिटी, वो एक कॉन्टेंशियस इशू के तौर पर ही सामने रहा, और ये वाटर डिस्प्यूट में भी दोनों रिलेशन को काफी ज्यादा जो है वो एक स्ट्रिक्ट चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करवाया। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो ट्रेड रिलेशंस हिस्टोरिकल ट्रेड है, ट्रेड रिलेशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड हैव फ्लक्चुएटेड विद पीरियड्स ऑफ एम्बार्गोस एंड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी, जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहा और काफी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह टाइम के साथ ऊपर नीचे होती रही। जिस तरह डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो ट्रेड को इम्प्रूव करने की काफी एफर्ट्स की गई, और जो स्पॉट डे का इम्पैक्ट है ब्रॉडर पॉलिटिकल सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड, वो भी इसके अंदर काफी ज्यादा उसका भी एक इन्वॉल्वमेंट रही। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर बात करें तो रीजनल कोऑपरेशन रहा, डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशन बोथ कंट्रीज हैव पोटेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक पॉलिटिकल टेंशन तो दोनों कंट्रीज के दरमियान थी भी और अभी भी मौजूद है, लेकिन दोनों कंट्रीज ने जो पोटेंशियल बेनिफिट के लिए जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको कायम रखा, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह शामिल है। ट्रेड बैरियर्स में जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं वो एक्चुअली में मेन ट्रेड बैरियर्स है आपस में, और इस चीज ने क्या किया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बायलेटरल ट्रेड को भी काफी ज्यादा अफेक्ट किया। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस की बात की जाए तो कल्चरल डिप्लोमेसी शेयर्ड हेरिटेज है, दोनों कंट्रीज जो है वो ब्रिटिश इंडिया में साथ रहे हैं, तो इनका जो कल्चरल टाइज है, इनकी जो हिस्ट्री है वो शेयर होती है, इनकी लैंग्वेज आपस में शेयर होती है, इनके ट्रेडिशंस काफी मिलते जुलते हैं, और ये चीज जो है वो एक्चुअली में एक स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। इसमें कल्चरल एक्सचेंज की बात की जाए तो इनिशिएटिव्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और डिफरेंट एकेडमिक एक्सचेंजेस वगैरह जो है, इन्होंने जो गैप्स हैं उनको काफी ज्यादा ब्रिज करने में हेल्प की, और गुडविल को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया। पीपल टू पीपल रिलेशंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, वीजा पॉलिसीज को ओपन किया गया, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि इम्पैक्ट कर रही थी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप्स को, कनेक्शंस को, इसमें फैमिली विजिट्स और टूरिज्म वगैरह, ये तमाम चीजों ने जो है वो दोनों के दरमियान पीस रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया। एजुकेशनल एक्सचेंजेस की अगर बात की जाए तो एकेडमिक पर कोलैबोरेशन हुई और स्टूडेंट एक्सचेंज किया अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कल्चरल एंगेजमेंट के लिए। इस चीज ने भी पाकिस्तान ने भी जो है वो पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप रही दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड, एजुकेशनल एक्सचेंज से रिलेटेड, इसने एक दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को काफी जो है वो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर दिया। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो पीस के पाथवेज कौन कौन से हैं, डायलॉग एंड निगोशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोनों कंट्रीज के दरमियान डायलॉग हो किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन के थ्रू, ताकि वो एक इस तरह के पाथवेज एड्रेस कर सके जो इन लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को, जो बहुत प्रीवियस बहुत पुराने इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व किया जा सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में इनिशिएटिव्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एड्रेस ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स वुड इंप्रूव बायलेटरल रिलेशनशिप। जो ट्रस्ट ब्रोकन सिचुएशंस हुई, पुलवामा अटैक्स वगैरह, मुंबई अटैक्स, इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से जो मिसट्रस्ट बिल्डअप हुआ, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत है कि ये ट्रस्ट जो वापस बिल्डअप हो सके और ह्यूमैनिटेरियन जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, बायलेटरल रिलेशंस दोनों कंट्रीज के दरमियान जो वो इम्प्रूव किए जा सके। रीजनल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो रीजनल स्टेबिलिटी,
इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, कि इन दोनों का बहुत ज्यादा जियो पोलिटिकल डायनामिक्स के ऊपर एक बॉर्डर इफेक्ट है, दोनों न्यूक्लियर आर्म जिस्ट हैं, तो ये तमाम सिनेरियोज इन दोनों कंट्रीज का आपस में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप या बींग एन एलीज काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर रीजनल स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंटली. इंटरनेशनल एंगेजमेंट की अगर बात करें तो जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग पीस एंड कॉपरेशन रिमेन सिग्निफिकेंट, उनका सिग्निफिकेंट रोल है भी और वो अपना रोल प्ले भी कर रही है ताकि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं वो एक दोनों कंट्रीज के दरमियान पीस को फैसिलिटेट करें और दोनों का कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज कर सकें. कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप 1947 से अभी तक अगर देखा जाए तो काफी एक कॉम्प्लेक्स इंटर प्ले रहा. कॉन्फ्लिक्शन, डिप्लोमेसी, ओकेजनल कॉपरेशन, ये तमाम चीजें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसके की इश्यूज, इसके साथ साथ जो इसमें रिसेंट डेवलपमेंट आ रही है, ये तमाम चीजों का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में भी, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में और दोनों कंट्रीज के आपस में रिलेशन कॉन्टेक्स्ट में आपको ये आउटलाइन इंशाल्लाह काफी हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच.